झारखंड में कोरोना का विस्फोट जारी है। संक्रमण काफी तेजी से अपना दायरा भी बढ़ा रहा है। बड़ी संख्या में रोज संक्रमित निकल रहे हैं। अगर 14 जुलाई की बात करें तो देश के लिए अब तक का सबसे खतरनाक दिन माना जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में रिकॉर्ड 30,000 लोग के करीब एक दिन में संक्रमित हुए और एक दिन में लगभग 588 लोगों की जाने गई। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो सूबे ने भी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में 247 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। यह अभी तक का झारखंड का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना ने अब आम जनता के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की डायरेक्टर मंजू गाड़ी के अंगरक्षक और कोडरमा जिले के खनन पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं झारखंड के लातेहार में सीआरपीएफ के एक ही कैंप के 40 जवान संक्रमित मिले हैं। अगर इसी रफ्तार से कोरोना ने अपना प्रकोप जारी रखा तो भारत में 17 जुलाई की रात तक संक्रमितों की संख्या 10 लाख को पार कर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।